दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते हो कि इन दिनों एसएस राजामौली की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि ट्रिपल आर का इंतजार दर्शक कितनी बेताबी से कर रहे हैं, क्योंकि भैया इस बार इस फिल्म को लेकर ये जानकारी तो हम लोगों के सामने आ गई है कि भैया इस बार इस फिल्म में टॉलीवुड के साथ साथ बॉलीवुड का कॉकटेल हमें देखने को मिलेगा। यानी कि भैया एक तरफ होंगे जूनियर एनटीआर रामचरण तो दूसरी तरफ होंगे अजय देवगन और आलिया भट्ट। यानी कि भैया इस फिल्म में नजर आने वाले जितने भी कलाकार हैं सबका लुक हम लोगों के सामने रिवील किया जा चुका है। चाहे हम बात करें कुमाराम भीम की, चाहे हम बात करें अल्लूरी सीताराम राजू की, या फिर हम बात करें सीता की। लेकिन जब अजय देवगन का लुक हम लोगों के सामने आया तो भैया उसको लेकर यह जानकारी क्लियर नहीं की गई कि भाई अजय देवगन इस फिल्म में कौन सा किरदार निभाने वाले हैं, उनके किरदार का नाम क्या होगा। यानी कि भैया अजय देवगन के किरदार के नाम पर अभी भी एसएस राजामौली ने सस्पेंस बना रखा है। यानी कि भैया अजय देवगन को लेकर यह जानकारी तो हम लोगों ने आपको दे दी है कि उनका किरदार इस फिल्म में बहुत ही अहम है, जो कि इस फिल्म की कहानी को आगे ले जाएंगे। यानी कि एक जबरदस्त कैमियो निभाने वाले हैं अजय देवगन। तो दोस्तों आज ट्रिपल आर की तरफ से एक बेहतरीन पोस्टर जारी करते हुए जूनियर एनटीआर का एक और नया लुक जारी किया गया, जो कि इस फिल्म में कोमाराम भीम का किरदार निभाने वाले हैं। क्या पोस्टर आया बॉस, क्या पोस्टर। यानी कि हाथ में भाला थामे हुए जल की शक्ति को बताते नजर आ रहे हैं जूनियर एनटीआर की भी अगर जल अपनी शक्ति दिखाने पर आ जाए तो उसको रोकना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों नो डाउट वाकई में ये लुक भी बहुत दमदार है और भाई इस फिल्म का इंतजार तो हम सब बहुत ही बेताबी से कर रहे हैं। अब लेकिन देखने वाली बात ये है कि क्या ये फिल्म इस साल भी रिलीज हो पाएगी 13 अक्टूबर को। यानी कि इन दिनों जो सिचुएशन बनी हुई है पूरे देश की उसको देखने के बाद तो सवालों का बाजार गर्म है कि क्या ये फिल्म 13 अक्टूबर को रिलीज हो पाएगी। वैसे आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको जूनियर एनटीआर का ये लुक कैसा लगा और आपको भी इंतजार है कि नहीं उस बात का कि जिसमें हमें ये बात पता चल सके कि भैया इस फिल्म में अजय देवगन किस नाम के किरदार से हमें देखने को मिलेंगे। अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।